हे गाइस, गुड इवनिंग, राम राम से सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे ब्लॉग में। और गाइस पीछे अभी फोकस करता हूँ, ये देखो क्या दिख रहा है, उपकार कुल्फी। जी हाँ, ये जो उपकार कुल्फी है ये परसों से, आई थिंक मेरे पैदा होने से पहले से काफ़ी सालों से यहाँ पर है और इसी जगह पर ये देते आ रहे हैं कुल्फी की सेवा, जो कि इतनी टेस्टी कुल्फी है, अलवर में बनाते हैं घर पर, जिसकी कोई होड़ नहीं। तो चलिए आज इसी का अपन रिव्यू करते हैं, जानते हैं क्या है इनकी कुल्फी में ऐसा खास। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस व्लॉग। तो गाइस ये है उपकार कुल्फी, लोकेशन बता दूं कहाँ है, ये है नगली सर्किल। नगली सर्किल पे आप टीजर साइड टीजर देख रहे हैं, टीजर साइड कॉर्नर में ही यहाँ पर कोने में लगाते हैं भैया उपकार कुल्फी, और काफी सालों से लगे। इनके पास तीन वेरायटी है, सादा, पिस्ता और केसर। छोटी वैरायटी का साइज़ भी छोटा होता है, इसका मीडियम साइज़ और इसका लार्ज साइज़ है, और लगभग इनको जैसा बोल रहे हैं कि 1992-93 से बना रहे हैं, तो जानते हैं इनसे। तो नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? सोनू सैनी। तो पहले ये जो अंकल जी थे ये लगाते थे, ये आपके भैया हैं? ये पिताजी हैं? भैया हैं, भैया है, और वो आपके पिताजी हैं। अच्छा, तो आप लगभग 2 साल से यहाँ लगा रहे हो। तो ये जो कुल्फी आप बनाते हो, ये घर पे ही बनाते हो? नहीं बनाते। तो ये रेसिपी किसने तैयार की, मतलब फर्स्ट टाइम कुल्फी किसने तैयार की थी? हमारे दादाजी ने तैयार की। आपके दादाजी ने? और उसके कुल्फी के अलावा भी आप कुछ और देते हो? फलूदा। वो कितने का है? 40-50-60। साइज का फर्क है, क्वालिटी वही है? क्वालिटी का भी फर्क है। अच्छा, क्वालिटी का फर्क है, साइज वही है? ओके। तो आपका बेस्ट कौन सा है, कुल्फी बिकती है ज्यादा? केसर वाली कुल्फी सबसे ज्यादा बिकती है। तो हम केसर वाली कुल्फी आपकी टेस्ट करेंगे। तो एक बार आप ये बता दीजिए, क्या लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको? 92 अगर हम लगाए तो लगभग 31 ईयर्स, 30 साल प्लस हो गए आपको, अंदाजा बता रहे हो। आप उससे पुरानी भी हो सकती है, बाबा दादा की बने। तो आप भैया एक केसर कुल्फी निकाल दीजिए, आपकी केसर कुल्फी टेस्ट करते हैं। तो गाइज बता दूँ, केसर कुल्फी जो है 40 रुपीज़ की है, इसकी क्वांटिटी जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है, पिस्ता कुल्फी और सादा कुल्फी। तो अभी अपन ये देने वाले हैं इसे। भैया आपका टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग शाम को 5 बजे से रात 11। 5 से 11 बजे तक? तो 5 बजे आप यहीं मिलते हो? शुरू से यहीं लगाई है आपने? शुरू से पहले ठेली लगाते होंगे, फिर ये वैन बना ली। अच्छा, पहले टेम्पू था, अब ये वैन बना ली है इन्होंने। तो काफ़ी मतलब रीज़न है, इनकी सेल काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी जो है कुल्फी की बहुत काफ़ी अच्छी है। और अब भैया ने हमके लिए हमारे लिए केसर कुल्फी निकाली है। तो गाइज ये है सादा कुल्फी, जो कि इस तरीके से दी जाती है ताकि आप पूरी तरीके से इंजॉय कर सको। लो बेटा इंजॉय। तो गाइज हेयर टेज हमारी बन चुकी है, जो कि है केसर कुल्फी, कलर भी इसका येलो है। तो हम आज इसका लिफ्ट उठाने वाले हैं, लेट्स चेक करते हैं कि क्या है इस खास इस केसर कुल्फी में। तो देखते हैं इसमें केसर का स्वाद है क्या वाकई में। अरे बाप रे, अरे बड़ी टेस्टी है यार ये तो। इसका साइज भी जो है सादा कुल्फी से ज्यादा बड़ा है। गाइस में दूध की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है और काफी हद तक प्योर लग रही है मुझे, मतलब गाढ़ा सब कुछ बोलते हैं ना कि आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पानी या बर्फ ही आ रही है, सिर्फ बहुत गाढ़ी है। तो गाइस बहुत टेस्टी लग रही है, मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ फिनिश करने के बाद आपसे। इनका जो फलूदा है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, क्वालिटी वाइज है वो, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट कुल्फी ज़्यादा फेमस है यहाँ। इसमें मैंने फिनिश कर ली है और मेरा तो टेस्ट आया ही जा रहा है, अभी मन कर रहा है और खा लो। तो बहुत स्वादिष्ट है, अगर अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर आपको कुल्फी खानी है तो आप सीधा यहाँ आए हैं नगरी सर्किल, जो कि बस स्टैंड से सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से भी मुश्किल से 700 मीटर है, बिल्कुल मिड में है ये जगह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आए हो, और जो नए लोग हैं वो आपको नहीं आना है ना, अलवर में आपका स्वागत है, और अलवर में स्वागत है तो कुल्फी यहाँ का नहीं है ना। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, सपोर्ट करते रहना, शेयर कर देना, राम राम से सभी को, सी यू लेटर।